निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बिहार में हैं उसको हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक कोरोना नियंत्रित है, क्योंकि देश में आज मरीजों की संख्या के मामले में बिहार 30वें नंबर पे है। मतलब 29 राज्यों में बिहार से ज्यादा मरीज हैं, करीब 104 के करीब मरीज अभी हमारे यहाँ एक्टिव केस है। और ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे जीवन को सामान्य करना और जीवन की विभिन्न गतिविधियों को चलाना भी आवश्यक है, आर्थिक व्यवस्थाओं को भी पटरी पर लाना आवश्यक है, और मानव जीवन के लिए यह जरूरी है कि हम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से गतिमान रखें। और इसीलिए राज्य की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धीरे धीरे रिलैक्सेशन दिया, और जब हम लोगों ने लॉकडाउन किया था उस समय की परिस्थितियां बहुत ही गंभीर थी, और एक समय में यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 16% के करीब चला गया था, और आज की तारीख में पॉजिटिविटी रेट घट के 0.01% पे आ गया है। तो इस बीच में हम लोगों ने धीरे 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 करके छूट दिया, और उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि हम कोरोना को नियंत्रित कर रहे हैं और केसेस कम होती चली गई। तो अब कुछ प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन को खत्म किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के जो प्रयास थे उसका प्रतिफल दिख रहा है कि हम कोरोना को रोकने में सफल हुए हैं, और आम जनजीवन सामान्य तौर पे रहे, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से उसकी कमाई भी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी हो, तो सभी गतिविधियां चले। इसलिए हम लोगों ने स्कूलों को भी अब पूरी तरीके से खोल दिया है, जो हमारे कोचिंग संस्थान थे उनको भी खोल दिया, जो धार्मिक स्थल थे उनको भी, मतलब सारी गतिविधियां आदमी सामान्य तरीके से कर सके। और कोरोना का एक जो मानसिक प्रभाव है, उस कोरोना के मानसिक प्रभाव से बाहर निकल के व्यक्ति सामान्य हो, इसकी कोशिश कई राज्यों ने किया है, और हम सब लोगों ने भी उस काम को किया कि अब सब कुछ पटरी पर चले। तो राज्य सरकार इसके लिए सारे आवश्यक कदम भी उठा रही है, जहां एक तरफ हम टीकाकरण खूब कर रहे हैं, इस अगस्त के महीने में एवरेज 3.5-4 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हम टीकाकरण कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त जो जांच हमको करना है, जांच भी हम 1.25-1.5 लाख के बीच में कर रहे हैं, किसी किसी दिन हम 1.25-2 लाख तक जाते हैं। इसके साथ ही जहां टीकाकरण और जांच हम कर रहे हैं, उसके अलावे अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी हम आगे के लिए भी दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के सावधानी जो रखनी है वो पूरी सावधानी हम लोग रख रहे हैं, और निश्चित रूप से अब जब सारे कार्य को करने की छूट दी गई है, तो हम और ज्यादा सजग होके जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे, लेकिन आम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आम लोग सामान्य रूप से सब कुछ जीना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है और रोजगार भी करना चाहता है, तो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करके अपने को कोविड से बचाना भी होगा। और सरकार ने जो छूट दिए हैं हम लोगों ने, उसमें यह बहुत स्पष्ट तौर पे हम लोगों ने उल्लेखित किया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन दुकान में भी करना होगा, बाजार में भी करना होगा, सार्वजनिक स्थान पे भी करना होगा, कहीं कार्यक्रम आयोजन हो रहा होगा वहां भी करना होगा। तो इसका ध्यान यदि हम सब लोग रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम कोरोना को भी पराजित करेंगे और अपना सामान्य जीवन भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अभी देश में केरल में 30,000 से 40,000 केसेस आ रहे हैं, सेकेंड वेव अभी गया नहीं है, थर्ड वेव की बात हो रही है अक्टूबर सितंबर के लास्ट या अक्टूबर, इसको लेकर के बिहार कितना सजग है? नहीं, निश्चित रूप से केरल का विषय चिंता का विषय है। आज भी वहां 1,70,000 से अधिक एक्टिव केस है, और प्रतिदिन 30,000 से अधिक नए केसेज आ जा रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि केरल की सरकार कोशिश कर रही होगी, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी केरल में स्थिति क्यों नहीं नियंत्रित हो पा रही है, ये जरूर सोचने वाली बात है।
देश के सभी राज्यों ने बहुत हद तक कोविड को रोक लिया है और आज स्थिति यह है कि देश का जितना एक्टिव केस आज है उसके आधा से अधिक केस केवल केरल से है जिसकी आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। तो केरल की सरकार को निश्चित रूप से कुछ प्रयास करने चाहिए और देश के अन्य राज्यों से समझना चाहिए कि कैसे देश के अन्य राज्यों ने कार्य करके कोविड पर नियंत्रण किया है। बिहार से भी कुछ समझने की कोशिश करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि वहां की सरकार कोशिश कर भी रही होगी, लेकिन हम सब लोग निश्चित रूप से देश के कुछ वैसे राज्य जहां पर अभी कोविड के केसेज हैं, चाहे वह केरल हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, ऐसे जो भी राज्य हैं, उन राज्यों से आने जाने वाले लोगों के प्रति ज्यादा सजगता रखवा रहे हैं। और हमने विभाग के माध्यम से सभी जिलों को इस बात का निर्देश दिया है कि ऐसे स्थानों से आने वाले लोगों को चिन्हित करके उनका विशेष तौर से जांच किया जाए, रेलवे स्टेशनों पे, हवाई जहाज पे, जो हवाई अड्डा हमारा है। तो हम सचेत हैं कि ऐसे जहां से कोरोना के पॉजिटिव केसेज आने की संभावना है वहां से हम उसको रोकथाम कर सकें। अभी आपने एक आंकड़ा पेश किया है, HIV पीड़ित लोगों को भी कोविड के टीकाकरण किया गया है, कितनी परेशानी लग रही थी उनको टीकाकरण को लेकर के और कितनी? नहीं, देखिए, विभिन्न प्रकार के जो गंभीर रोगों से ग्रसित लोग हैं वैसे लोगों पे ये कोरोना का प्रभाव ज्यादा घातक होता है और जिसको हम कोमॉर्बिलिटी कहते हैं, मतलब अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो होता है उस पर कोरोना का असर ज्यादा होता है। और वैसे ही रोगों में से एक रोग HIV भी है। HIV शरीर को निश्चित रूप से कमजोर करता है और जब शरीर कमजोर होता है तो ऐसी बीमारियों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है और लोग कठिनाई में जा सकते हैं। तो राज्य के अंदर लगभग 62,000 HIV पॉजिटिव है, ऐसा आंकड़ा विभाग के पास है। उसमें से 4,500 से अधिक लोगों को हम लोगों ने टीकाकृत किया है और वैसे लोगों को विशेष तौर पे उन केंद्रों पर बुला के जहां उनको दवाइयां दी जाती हैं उनके टीकाकरण का काम हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिन्हित करके उनको टीका देने के विशेष अभियान और प्रयास भी बिहार में किए जा रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।